जो आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर किस तरीके से एक डेटाबेस बनाते हैं और उस डेटाबेस को कैसे एक शेड्यूल के तरीके सेट करते हैं, बटने कैसे बनाते हैं, उसके अंदर कैसे बटनों का यूज करते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस एड प्रिंट, ये सारी बटने कैसे बनती हैं और कैसे ये काम करती हैं। तो चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, ये कैसे बनेगा। ऑलरेडी आपके पास बच्चों डेटा होना चाहिए, मैंने एक प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन के नाम से एक डेटा बना के रखा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सारी चीजें आप बना लेंगे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। इसको बनाने के लिए मैंने आपको पढ़ाया होगा क्रिएट के अंदर एक टेबल डिजाइन के नाम से ऑप्शन होता है, टेबल डिजाइन ये वाले ऑप्शन में आप जाते हैं तो आपको एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को आप भरते हैं, कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा ये फॉर्म पूरा आप भरेंगे सही से। कुछ लोग होते हैं जैसे मोबाइल नंबर वगैरह आप लोग देखा करते हैं, मोबाइल नंबर कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं, कोई नंबर के ऐसे केस आ जाते हैं जैसे मान लो हमको बीच में एक नंबर ऐड करना है, अभी मैंने मोबाइल नंबर तो इसमें डाला नहीं, अगर मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करूँ तो ऐड करने के लिए आपको कहीं भी ऐड करना पड़ सकता है, मैं ये नहीं कहता कि यही ऐड करो, आप कहीं भी कर्सर रखिए जैसे पिन कोड के बगल में ही कर्सर, यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट रो, आपने यहाँ से इंसर्ट रो कर लिया। मोबाइल नंबर पूरे अंक का नहीं होता, इसके लिए पूरे डिजिट के लिए सेटिंग करनी पड़ती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि आप फंसिए ना किसी के लिए नंबर मोबाइल नंबर, जब आप यहाँ से एंटर करेंगे और इसको नंबर में सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक सेटिंग यहाँ दी जाती है, वो सेटिंग क्या होती है, यहाँ पे दिया गया फील्ड का साइज, आपका जो फील्ड का साइज होता है वो छोटा होता है, तो आप जब यहाँ पे आइएगा तो आपसे पूछता है, अगर आप यहाँ चाहो तो डबल भी कर सकते हो और नहीं तो आप सीधा सीधा डेसिमल कर सकते हो, ठीक है, तो इससे पूरे अंक ले लेगा, ठीक है, तो आप जितना मर्जी उतना चाहे सेट कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ फिर डब्ल्यू करेंगे, जैसे कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे आपसे परमिशन मांगे कि आप उस चीज को जो आपने अभी ऐड किया है क्या आप उसे अपने टेबल प्रोफेशनल टेबल में सेव करना चाहते हैं, यस सेव हो गया, फिर से आप डबल क्लिक करिए तो आपकी स्क्रीन पर वो मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, अगर आप ऐसे कोई मोबाइल नंबर डालते हैं तो पूरे अंक नहीं लेता था, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा और एंटर करेंगे तो अगले वाले स्टेप में पहुंच जाएगा। इतना करने आप एक डेटा एक या दो तीन चार डेटा जितना चाहे मर्जी उतना बना लीजिए, देखिए ये सब कुछ मैंने तैयार कर लिया, नाम वाम भरना ये सब कुछ करना, छोटे छोटे टॉपिक आप कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक फोटो भी सेट करके रखी है, इस पर डबल क्लिक करिएगा तो यहाँ से देखिए फोटो भी खुल जाएगी, देखिए जिसका डेटा आप बना रहे हैं उसका यहाँ पे फोटो आप सेट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इसको यहाँ से इंसर्ट ऑब्जेक्ट के नाम से ऑप्शन होता है यहाँ से लिंक किया जाता है, ठीक है, और वेबसाइट वगैरह से छोटी छोटी बातें आप लोग कर ही लेते हैं। क्रिएट में चलना है, आपको मैं बता दूं आज आपको फॉर्म का डिजाइन बनाना है, पूरा परफेक्टली फॉर्म का डिजाइन बनना चाहिए, हम लोग यहाँ फॉर्म डिजाइन में जाएंगे, आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, इसको आप बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए पट्टी पे आप कर्सर रखेंगे तो ये बढ़ाने का यहाँ पे फंक्शन दे देता है, आप इसको बड़ा कर सकते हैं, बड़ा करने के बाद आपसे यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आ जाते हैं, तमाम डिजाइनिंग के ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे जैसे बटन बनाना है, आपको लिखना है, कोई छोटा छोटा काम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये लिखने का प्रोसेस है, तो आप लिखने के लिए क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, तो आप यहाँ पे आइएगा और ऐसे पकड़ के आप खींचिए और यहाँ पे लिखिए टेक्स्ट बॉक्स में जो चीज लिखना चाहते हैं, आप इसको चाहो तो डिलीट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और अपना यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स बढ़िया सा लिख लिया जिस चीज का आप बना रहे हैं डेटा उसी, जैसे हम अपने सेंटर का बना रहे हैं इंटरनेशनल कंप्यूटर सेंटर, और इसका साइज अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिए, फॉर्म के अंदर चले आइए और ये बोल्ड कर लीजिए, साइज आइज अपने हिसाब से सेट सेंटर पे कर लीजिए, इसका साइज भी अपने हिसाब से फिक्स कर लीजिए, जितना बड़ा आपको ठीक लगे उतना आप इसको सेट कर सकते हैं, एड्रेसेस वगैरह दिखाना, नीचे एड्रेस भी दिखा सकते हैं, सिराथू कौशाम्बी ब्रेक नहीं कर रहा, सिराथू कौशाम्बी ऐसे आप डाल दीजिए। इतना करने के बाद आप चाहते हो कि आपका जो कलर्स भी थोड़ा सा दिखने लगे, थोड़ा सा स्टाइल में आ जाए, तो बैकग्राउंड यहाँ ब्राउज फोटो लगाने का फंक्शन दिया, इन्होंने फॉन्ट का कलर दिया है, डिजाइन के अंदर इन्होंने थीम्स तो दे रखा, ये थीम्स वगैरह देखिए यहाँ पास इन्होंने दिया तो है, सॉरी जी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कलर आपके पास स्क्रीन पर आपको दिख रहा हो, आप क्लिक करिए वो कलर दिखा दिया जाता है, ये फील वाला कलर यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि बच्चों वर्जन का थोड़ा डिफरेंट होता है,
इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। दिक्कत होने का मतलब ये होता है कि ऑप्शन जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। डिजाइन के अंदर चले आइएगा, यहाँ पे एड एजेक्टिंग फील्ड के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा आपको, बस आपको इसको यहाँ नीचे लेकर आना है ऐसे, और आप यहाँ पे शो फील्ड में आइएगा। प्रोफेशनल के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा आपको, और आप यहाँ से आईडी को पकड़ के ऐसे रखिएगा यहाँ पास फर्स्ट क्लास, इस बॉक्स से बाहर ना जाने पाए याद रखिएगा, और इसको भी आप यहाँ पे ऐसे उठा उठा के रखते जाइए। इसको भी उठा के यहाँ रख लीजिए, पहले आप सब कुछ सेट कर लीजिए। एक एक करके यहाँ से सेट कर लेंगे आप, ऐसे बराबर। कुछ स्टेट वाली चीजें यहाँ रख लीजिए आप, ये बगल में ऐसे ऐसे उठा के एक एक करके आप रख लीजिए। ये पिन कोड आप रखिए यहाँ पास ऐसे, क्वालिफिकेशन अपनी सेट कर लीजिए यहाँ पास, इसको भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिए। और मेल फीमेल जो भी है अपने हिसाब से आप यहाँ सेट कर लीजिए ऐसे। क्वालिफिकेशन अपनी दिखा दीजिए पास बगल में, डीओपी चाहे यहीं रख, जहाँ जगह बने वहाँ दिखाए। वेबसाइट भी आप अपनी दिखा दीजिए, वेबसाइट क्लिक करो थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसे आप छोटा भी कर सकते हो ऐसे अपने हिसाब से, आप छोटा ईमेल का वेबसाइट को बड़ा कर लीजिए। ये वेबसाइट है, आप इसको थोड़ा सा यहाँ रखिएगा और इसको रख के आप बड़ा कर, और इतना करने के बाद आप फोटो का जो बॉक्सेस है वो यहाँ बना, इसको पकड़ कर आप यहाँ पे इसको नीचे लेकर आइए और इसको पकड़ के रखिए और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। फोटो इतनी बड़ी होगी दिखनी भी चाहिए यहाँ पास, तो आप फोटो का साइज सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ये पकड़ के कर सकते हो ना, पकड़ के इसे बड़ा कर लीजिए अपने हिसाब से फिट कर लीजिए, इसको पकड़ के आप इसके हिसाब से यहाँ पे नीचे ऐसे इसको भी और ऐसे इतना फिट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि ये बराबर हो जाए तो आप इसको सिलेक्शन दीजिए ऐसे कंट्रोल के साथ एल करिए, या आप यहाँ पे आके इसको सब सेट कर लीजिए। अरेंज के अंदर जाके यहाँ पे अलाइनमेंट्स का सिस्टम होता है, इन्होंने दिया होगा लेफ्ट से रखना होगा ठीक है इस तरीके, और इसको अपने हिसाब से आप चाहते हो बढ़ाना घटाना, जैसे मान लीजिए छोटा लग रहा है तो आप इसको बड़ा करके एक समान करिएगा तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करिए इसको पकड़ के, इसको एक दूसरे के ऊपर सेट है तो इसको थोड़ा बाहर रखिए तो अच्छा लगेगा, इसको पकड़िएगा ऐसे ये इसको पकड़ के आप ऐसे खींचिए ठीक है, तो ये अपने हिसाब से सब कस्टमाइज कर लीजिए ऐसे, इसको पकड़ लीजिए ऐसे पकड़िए, पकड़ में आएगा तभी आप खींच पाओगे, नहीं खींच नहीं पाओगे ठीक है ठीक है, तो इसे आप अपने हिसाब से फिट कर लीजिए। इतना करने के बाद अब आपको थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा, जैसे आप चाहते हो कि इसका ये भी सेट हो जाए थोड़ा सा, तो इसको भी आप ऐसे पकड़िए और अरेंज के अंदर जाके अलाइनमेंट सेट कर दीजिए इसका लेफ्ट से पूरा ठीक है। इतना करने के बाद अब अगर आप चाहते हो कि यहाँ पास ये बॉक्सेस वगैरह भी थोड़ा स्टाइल में दिखे, तो यहाँ पे देखिए जी स्टाइल में कुछ बनाई गई हो तो बटने यहाँ पे मैंने 3D का जो फंक्शन दिया है, यहाँ पे जो 3D है वो 3D यहाँ से हटा दिया गया, 3D यहाँ नहीं ऑप्शन से कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हैं कि फॉन्ट का कलर आ जाए पूरे का तो आप फॉन्ट का कलर भी कर दीजिए, थोड़ा बोल्ड कर दीजिए यहाँ से आके और यहाँ से कलर ऐसे
तो आपको जितना भी डेटा होगा, अब यहाँ पे अभी फोटो नहीं दिख रहे, अभी फोटो की चिंता आप नहीं करेंगे। अब आप बटन बनाइए, पहले बटन बनाने के लिए आपको बटन का ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा बटन कैसे बनाते हैं, एक सीरीज में बटन यहाँ बनाते हुए चले आइए, ये खींचा आपने, यहाँ पे क्लिक करिएगा, आपको एक पैनल मिलेगा। जैसे पैनल आपको मिलेगा, आपको नेक्स्ट बटन का यहाँ ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे चले आएंगे, आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे ऐसे, और इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। जैसे फिनिश कर देंगे आप स्क्रीन पर यहाँ बटन का ऑप्शन बन जाएगा। सॉरी, फिर से दोबारा ट्राई करते हैं, बटन पे जाएंगे, ऐसे खींचिए, ये देखिए, और ओके करिए, नेक्स्ट बटन ऐसे क्लिक करिएगा, और यहीं पे कर्सर रखिएगा, नेक्स्ट करिएगा और फिनिश कर दीजिएगा। ये तो आप अगर यहाँ से फिनिश करेंगे तो आपको यहाँ बटन लिखना पड़ेगा ना, हाँ, क्योंकि इसमें इन्होंने दिया लिखने के लिए सिस्टम, जबकि 7 पे ऐसी सुविधा नहीं है कि आपको करना पड़े। नेक्स्ट कर दीजिए, क्लिक किया, ठीक है। अब दूसरी बटन आपको बनानी है, सॉरी किस चीज की थी, प्रीवियस बटन थी, तो आप यहाँ प्रीवियस लिख दीजिए, ऐसे करके इसको सेट कर दीजिए। इसके बाद आप नेक्स्ट बटन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ चले आइएगा, आप यहाँ से नेक्स्ट बटन का भी इंडिकेट करेंगे तो आप यहाँ से नेक्स्ट बटन भी बना पाएंगे ऐसे, और यहाँ पे फिनिश कर देंगे तो आप यहाँ पे नेक्स्ट भी लिख सकते हैं ऐसे। उसके बाद अगली बटन जो आप बनाने वाले वो है ऐड बटन के नाम से, आप यहाँ पे ऐसे खींचिए, और यहाँ पे आने के बाद ओके करिएगा, आपको यहीं पे ऐड का एक बटन रिकॉर्ड, यहाँ पे आप आएंगे रिकॉर्ड ऑपरेशन के अंदर, तो आपको ऐड बटन मिलेगा, और आप यहाँ से ऐड बटन के नाम से एक बटन बना सकते हैं। यहाँ लिखेंगे ऐड, ऐड न्यू रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड के नाम से ऐसे। इतना करने के बाद यहीं चले आइए, इसको ऐसे खींचिए ये, और ओके करिएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा प्रिंट आउट करने का ऑप्शन, आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं अपना सिस्टम। यहाँ से आके नेक्स्ट करिएगा, यहाँ कर्सर रखिए, नेक्स्ट करके फिनिश करिए, यहाँ लिखिए प्रिंट, प्रिंट। और अगली बटन जो बनाएंगे आप यहाँ पे आके, वो यहाँ से अगली बटन ऐसे खींचिए, और इतना करने के बाद फिर से ओके करिएगा, तो आप अपने रिकॉर्ड को डिलीट करने का भी सिस्टम आप दे सकते हैं, सेव करने का ऑप्शन दे सकते हैं, तो आप यहाँ सेव करने का भी ऑप्शन बना दीजिए। यहाँ पे कर्सर रखिए और सीधा यहाँ पे क्लिक करके फिनिश कर, यहाँ पे लिखेंगे सेव, और इसके बाद अब आप थोड़ा सा नीचे और अगर बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा नहीं, इसको थोड़ा सा सही सेट कर लीजिए ऐसे। इतना करने के बाद यहाँ चले आइए ऐसे ये, और फिर से आप नेक्स्ट बटन बनाइए एक बटन, यहाँ पे आके आप डिलीट बटन अब बना दीजिए इस बार, आप अपने रिकॉर्ड को वहाँ से खत्म भी कर सकते हैं, ये फैसिलिटी आपकी इस फॉर्म में होनी चाहिए बस, ओके। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन, इतना करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल तरीके से आपको जाना है फॉर्म व्यू के अंदर, बस इतना बनाने के बाद, ठीक है, फॉर्म व्यू के अंदर जाइएगा तो आपको एक फॉर्म यहाँ अलर्ट कर दिया जाता है, लेकिन ये जगह कम होने के कारण वो सैच नेम देता है, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये रिकॉर्ड आपके पास आ गया है, अब ये बटने हैं जैसे नेक्स्ट करना है तो नेक्स्ट रिकॉर्ड तो यहाँ फिट करने का ऑप्शन आ गया, अब आप यहाँ पे आएंगे, ये फॉर्म बना हुआ है, बस आप यहाँ पे आके अपना एक नाम डालिए, जो भी आपका नाम है, आप यहाँ पे अपना नाम, जैसे आपका नाम राज है, राज डाला आपने, आपके पापा का नाम जो भी है, मतलब फॉर्म के तरीके आप भरेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। एड्रेस आपका जो भी है, वेस्ट है वेस्ट भरिए, सिटी आपकी क्या, कौशाम्बी कौशाम्बी कर दीजिए, कंट्री डालिए, मतलब एक ऑनलाइन जैसे फॉर्म भरा जाता है सेम टू सेम वैसे आपको यहाँ पे भरना होगा। इस तरीके आप भर के सारा कुछ, वेबसाइट वगैरह उसी तरीके आप, जैसे लिंक होती है उसी तरीके आप भर के सारा कुछ सेट कर देंगे, स्टेट वगैरह अपना भर के। यहाँ पे फोटो लगाना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करिएगा तो आपको इंसर्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है, तो आप अपनी फोटो भी यहाँ सेट कर पाएंगे। बिट मैप के अंदर जाएंगे, बस आपको ओके करना है, जैसे आप ओके करेंगे तो आपके पॉपअप विंडो यहाँ खुल देगा। अब पेज फॉर्म के अंदर आके एक सिस्टमेटिक तरीके से आप करेंगे क्या, यहाँ से कोई ना कोई फोटो आप लिंक कर लेंगे और ओके कर देंगे और क्रॉप कर देंगे, बस जैसे ही क्रॉप कर देंगे आप इसे काट दीजिए, आपकी फोटो भी यहाँ लग जाएगी और आप इसको सेव भी कर पाएंगे, सेव हो गया। अगर आप प्रीवियस देखेंगे तो प्रीवियस में ये दिखेगा, नेक्स्ट में आपको ये रिकॉर्ड दिखेगा।
ओके समझ में आया। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो अगर बच्चों ये समझ में आया हो तो मिलते हैं बच्चों नए टॉपिक के।